लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आप लोकतंत्र की वकालत करते हैं और दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार से बात तक नहीं करना चाहते। मैं ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता जो गरीबों की इज्जत करना नहीं जानता। आप लोगों की नक्सली हिंसा और पुलिस की जवाबी हिंसा पे हम बहस कभी और कर लेंगे प्रोफेसर। फिलहाल तो मैं बस कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप फालतू सवालों में अपना समय बर्बाद करें, मैं साफ कर देना चाहता हूँ, अब मैं सिर्फ तीन काम करता हूँ, पढ़ना, लिखना और पढ़ाना। इस बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहें मैं जवाब दे दूंगा, बाकी किसी चीज के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और ये मेरा अधिकार भी है। अगर आप इसी तरह से पेश आना चाहते हैं तो ठीक है प्रोफेसर। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। तुम्हारे षड्यंत्र की वजह से कॉमरेड शिवराम, कॉमरेड चक्रवर्ती और दूसरे 16 क्रांतिकारी और अनेक मासूम मारे गए। बाबा, मुझे नहीं पता था कि ट्रेनिंग कैंप पर पुलिस गोलियों से हमला करेगी। तो ते का सोचत है? तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस फूल वाला लेके आई हमारे पास, हाँ? हमने तुझे पनाह दी, तुझ पर पूरा विश्वास किया, तुझे अपना समझा, और तू हमारे ही पीठ में छुरा भोंकता चला गया। तू ये सच है कि मैं उसका आदमी बनकर आया था, मगर जब मैंने आप सबकी लड़ाई को समझा और आप लोगों को जाना, तब मैं बदल गया। छोड़ दिया मैंने आदिल का मिशन, इसीलिए उसने अखबार को यह खबर दी ताकि हमारी एकता तोड़ दे वो। हमन कैसे माने कि अगर पाछो तुम्हारे मन के कोनो चाल नहीं है? कैसी चाल बालू? हाँ, मैंने महानता के बेटे को अगवा करके कॉमरेड राजन को छुड़वाया है, उसी का बदला तो ले रहा है वो। बाबा, वो जानता है कि जनताना अदालत बैठेगी और आप सारे कॉमरेड्स के सामने। हेलीकॉप्टर कहां जाते हैं? उन्हें कैसे मालूम? आदिल, द डॉट इज मूविंग, वो से शिफ्ट कर रहे हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, उस तरफ। एक मिनट, वो तुम्हें देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है कि तुम सब कहाँ हो। Thank you.
ये चिप आदिल को बता रहा था कि आप सब लोग कहाँ हो। मैं इसे पुलिस को उस तरफ खींच ले जाऊंगा, आप लोग वहां से निकल जाओ। लेकिन तुम अकेले कैसे? बाबा मेरी चिंता मत कीजिए, आपका राजन का रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप रहेंगे तब तक हजारा कॉमरेड्स पैदा होते जाएंगे। हजार, तुम्हारी शुरुआत कैसी भी रही हो लेकिन तुम्हारा अंत एक क्रांतिकारी का होगा। कॉमरेड लाल सलाम। लाल सलाम। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग आ गए, बड़े सही वक्त पे आए हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस बात की? तो बाबा मर गए ना। बाबा मर गए? आपको नहीं पता, शाम से हर न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि साहब के करीबी दोस्त मर गए। अब विद्युत बाबा से करीबी था भी कौन लीजिए। विद्युत बाबा कैसे मर गए? विद्युत बाबा थे ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, बिजली का बिल बड़ा, लेकिन आखिर छूटे बाबा मुझसे। हरिओम। आवाज कहाँ से? कहाँ से बोल रहा है विद्युत? नेपथ्य से। तुम तो मर गए थे ना? शत्रुओं का विनाश करने के पश्चात ही इस देह का त्याग करूंगा। हरिओम। ये तो जिंदा है। ये तो अनर्थ हो गया भगवान। ये बाबा को उठा ले, उसके सर पे प्रभु की दास के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार, नाश हो तुम्हारा नौकर। नौकर किसको बोलता है? तू क्या था मदारी, भूल गया? सड़कों पे डुकडुकी बजा के बंदर का खेल दिखाता था। एक दिन यहाँ इसको खेल दिखाने आया, बंदर भाग गए, तू रह गए। साहब जी ने बाबा बना दिया, इसे चढ़ा के रखा है मदारी कहीं का। जिह्वा को लगाम दो दुष्ट प्राणी। बहुत हो गया रामू। रामू काका तुम जाओ यहाँ से। मूर्ख नामकूल खोते दा पुत्र सूर्य बच्चा हरकत एंड मोर ओवर स्वाइन। अभी जाकर साहब जी को बताता हूँ। साहब जी कहाँ हैं? रामू काका, दादाजी होटल में रहेंगे। होटल में रहेंगे? हाँ, वो बहुत ही अपसेट है ना। अपसेट है? हाँ। रात भर आएंगे? नहीं नहीं नहीं, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे सुबह। कल सुबह आएंगे? हाँ। तब तक ये लंबे बाल वाला बंदर डुकडुकी बजाएगा क्या? नौकर को सिंहासन पर बिठा कर रखा है, ये सब आप लोगों की भूल है। क्या करें, रामू ने बरसों से इस घर में काम किया है, उसने ही तो इन सबको पाल पोस कर बड़ा किया है। वैसे देखा जाए तो रामू काका ही मेरी सास है। अरे सास को छोड़ो, ससुर की सोचो, लाश को कहाँ रखना है? मेरे रूम में रख सकते हैं। ओ प्लीज बता देना सुबह तक तुमने लाश का पोस्टमार्टम कर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, हम करोड़ों में खेलने वाले हैं। द आईपीओ हैज बीन अ सुपर सक्सेस एंड हैज बीन सब्सक्राइब्ड सेवरल टाइम्स ओवर। तब तो हमें डेट की मौत छुपाने की जरूरत नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट दुआ कल सुबह डैड का डेथ का अनाउंसमेंट कर देंगे और उसके बाद हम सब मालामाल। और रामू काका को लंगोटी पहनाकर पिछवाड़े लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। तू क्यों खुश हो रहा है बे? रामू काका के साथ तुझे और तेरी माँ को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर मैं अपनी जिंदगी चैन से विद्या के साथ गुजार पाऊंगा। विद्या ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए मेरी शादी की वजह से, अब विद्या के साथ ही पूरे होंगे। हरिओम। मैं ये क्या? तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला है ना, तू खाना खा ले। मैं छत पे तो कोई नहीं है। तू खाना खा। मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से एलके के साथ आज पूरा देश रो पड़ा, हमारे टीआरपीस तो आसमान छू गए, और इसका इफेक्ट आपके शेयर वैल्यू पर भी पड़ेगा। फायदा तो आपके चैनल को भी हुआ है। नथिंग इन कंपैरिजन टू योर एडवांटेज। यू सी, आप अमीर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आप ही के घर में दिवाली हो, आप ही के घर में पटाखे चलें और आप ही घर में मिठाई बांटें। तो तुम चाहती हो एलके ग्रुप में थोड़े से शेयर्स, बस। थोड़े से तुम्हारा मतलब? अ फ्यू थाउजेंड शेयर्स। हां नींबू पानी, कैन आई प्लीज हैव सम आइस? बर्फ का आजकल प्रॉब्लम नहीं, क्या है ना कि लक्ष्मी आजकल ज्यादा बर्फ यूटिलाइज करते हैं। बीमार हैं। बर्फ है ना,
टीवी की इतनी मशहूर हस्ती हमारे घर में हो और बर्फ तक न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के साथ नींबू पानी कितना डिफरेंट टेस्ट करता है, इट्स रियली रिफ्रेशिंग। रामू, पहली बार तुमने समझदारी का कार्य किया है। हरिओम। इस स्कॉच का फ्लेवर भी कुछ अलग ही है। लगता है बाबू भाई ने इस बार असली माल भेजा है। रामू काका, ये आई सिटी अचानक आई कहाँ से? साहब जी से ना, थोड़ा अटक। क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं, गले में कुछ अटक गया था। क्या हुआ? कौन हो? मुन्ना, मुन्ना बॉडी सप्लायर। बॉडीज? हाँ, लाश रहता ना, लाश। लाश? रंजीत, रंजीत, ये कुछ बेचने आया है। क्या बेचने आया भाई? लाश, लाश, लाश। बस हम भी इसी तरह झटका खा गए थे। मुन्ना भाई, हम क्यों लाश खरीदे? घर में ऑलरेडी एक लाश पड़ी है। क्या बकवास कर रहा है? इस घर में लाश? नहीं, ये कोई मामूली लाश नहीं है। ना ना, ये लाश तो कभी चलती है, कभी फिरती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी वहाँ दिखती है। पर ये तो ऐसी लाश है, कभी कभी औरों की मैयत पे भी जाती है। रामू, बाबा ये मुझे मारता है। ये देखो, ये है हमारे घर की जिंदा लाश। ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया। ये गणपत, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ये जरा मालूम करना, मार्केट में किसी को स्वामी का लाश मांगता है क्या? प्रेरणा, तुम बताओ कितना खोखला आदमी है। रामू काका चुप रहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। समीर, तुम बताओ कितना खोखला है ये। कोई मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हे बुड्ढे, तो सबको टेंशन देता है, अब जाके दोनों का टेंशन दूर करो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस। मुझे मारा? मुझे मारा? तुझे तो मैं ठीक करूंगा, देख। मैडम, अब साहब जी को बताइए कि ये बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। चलिए साहब जी के पास। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऐसे माफी मांगने में कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पकड़िए और माफी मांगिए। ब्रेकिंग न्यूज़ मैडम, स्वामी टच्चित सर्वंस्त्री। पर रामू काका, वो आदमी तो लाश बेचने आया था ना? लाश नहीं, छास, छास बेचने आया। छास? सांप को दूध की बीमारी है, छास से ही दूर हो सकता है।